अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय रेंसन्स यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप लोग सारे फाइन होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई फिर दोबारा से लेट वीडियो आ रही है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, क्योंकि लेट कंटेंट आता रहेगा भाई। हमारे पेपर भी चल लेते हैं, फिर 10 काम भी तैयार फंस जाते हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि हम वैसे भी नहीं पढ़ते तो ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक कुछ भी नहीं है, आज की वीडियो बस ऐसी है, सीन ये है कि आए मैं आपको अपनी वर्कशॉप दिखाऊं, जो इंशाल्लाह बनने वाली है मेरी वर्कशॉप। अच्छा भाई, तो सीन ये है, हम अपनी वर्कशॉप का आपको विजिट करा लेते हैं। भाई ये हमारी घर की छत है, जैसे कि तो ये पीछे साइड एक स्टोर रूम बना हुआ है हमारा, ये वॉशरूम है, ये स्टोर रूम है। तो ये जो स्टोर रूम है ना, बेसिकली ये हमारी इंशाल्लाह कमिंग वर्कशॉप होगी। आप देख सकते हैं कितना सामान मैंने ला के रखा हुआ है। याद है आप लोग को ट्यूबलाइट है जो मैंने आपको ठीक करना बताई थी। तो सीन ये है कि इस वर्कशॉप में जैसे ये फट्टे मैंने अभी लगाए हैं ना, आज मैं आपको यही चीज़ बनाना सिखाऊंगा कि रैक्स बनाते कैसे। कि ये जो इस दीवार, आपको खाली दीवार दिख रही है, इधर हम रैक्स बनाएंगे, और वो भी किससे, वेस्ट मटेरियल से, जो आपके घर में वेस्ट जितना भी पड़ा हो। जैसे कि मेरे पास ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये भी मेरे वालिद साहब की हैं भाई, आप हल्का ले रहे हैं मेरे वालिद साहब को। ये मेरे वालिद साहब की एक कबट थी, उसको हमने तोड़ा है। मम्मी ने बोला भैया भाई इसको काट तोड़ो ना, अलग करके निकाल लो, और फिर यहाँ पे हम रैक्स बनाएंगे, तो हम उसके रैक्स बनाते हैं। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टाइम लैप्स के अंदर, भाई हमें चिलिंग तो मस्त है, मतलब अपनी वर्कशॉप के अंदर जितनी भी हमारा सामान है हमने काट कर बाहर रखा है, ताकि हम अपना काम कर सकें भाई उसके अंदर। ओके भाई लोग, हमने सफाई कर ली है, मौसम देख रहे हैं कैसा VIP आपका, भाई फुल सिनेमैटिक खेलता है आप लोग के साथ। ये देखें आप मौसम देखें माशाल्लाह से। अच्छा भाई, मैंने सफाई कर ली, आप लोग को दिख रहा होगा, अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना स्पेस बढ़ गया हमारे पास। अब सीन ये है, बेसिकली देखें ये है हमारी दीवार, अभी मैं इंशाल्लाह आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये दीवार है, इसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक, आप लोग यहाँ से देखेंगे, देखें ये पूरी दीवार है ना, इसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक ना तीन रैक्स बनेंगे। सबसे पहले तो बेस रैक एक यह आ जाएगा, जिसको हमें फोल्डेबल बनाना, मतलब फोल्डेबल बोले तो मैं यूं करके उठाऊं और चेन लगा दूं उसके, तो एक रैक बन गया। उसके ऊपर दो रैक बनेंगे, एक और दो, ताकि हम लोग अपना ये जितना भी वेस्टेज सामान है ना, ये है ऊपर दो छत्ती पे रखा हुआ, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना, तो यहाँ पे हम अपनी टेबल भी बना लेंगे कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम रैक बनाते हैं, हम जरा पूरी मेजरमेंट करके बताता हूँ आपको क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा भाई लोग, मैंने जैसे आपको बताया था कि डायग्राम बना के चीज़ों को क्या करें, डायग्राम से ज़्यादा फायदा होता है, तो हमने भी ऐसे एक डायग्राम बना ली है। भाई मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। फर्ज करें जैसे कि ये हमारी वॉल है, ये सामने वाली, ठीक है, और मैंने इसका पिवट पॉइंट बनाया हुआ, जो हमारा मतलब सेंटर पॉइंट समझ लें, या फिर कोई ऐसा रिसेप्शन पॉइंट है जिसमें हमें अपनी वॉल को समझना है कि यहाँ से लेके वहाँ तक की टॉप तक रूफ तक हमारी वॉल है। भाई ये जो है ना, यहाँ पे बस आप ये समझें कि यहाँ पे हमारा फोल्डेबल एक रैक आएगा, तो यहाँ से वॉल स्टार्ट होगी हमारी, मतलब यहाँ से वॉल स्टार्ट होगी और टॉप रूफ पे आगे खत्म होगी, तो हमने उसका डिस्टेंस लेना है। तो हमने जब उसका डिस्टेंस लिया ना, ये टॉप रूफ से यहाँ तक जहाँ पे हमारा फोल्डेबल रैक बनना है, तो हमारा आया 78 इंचेस। 78 इंचेस मतलब क्या, टॉप रूफ से लेके हमारे इस रैक तक। अगर हमें इधर वॉल में दो पार्टीशन बनाने हैं, तो आप 78 इंचेस को डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आपके दो पार्टीशन निकल के आएंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, दो बन गए तो तीसरा आपका वैसे उसके अंदर वेस्ट होते, कैलकुलेशन है, आप लोग भी सिंपल समझ सकते होंगे। अगर आप डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 26 इंच के दो पार्टीशन बन जाएंगे, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी वॉल का डिस्टेंस हमारा ये है, दो पार्टीशन करेंगे तो 26 के दो पार्टीशन बनेंगे। अगर आपको तीन चाहिए तो आप डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब आपको फर्ज करें पांच चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अब हमें चाहिए थे तीन, तो हमने इसको डिवाइड बाय 4 किया, तो ये आया 19.5 पर ईच रैक, मतलब बोले तो हमारा एक रैक ये, एक रैक ये 19.5 का बनेगा, मतलब 19.5 इसका, मतलब ये समझिए कि इसके बीच का डिस्टेंस होगा 19.5, इतना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा इतना 19.5, ये देख सकते हैं इतना, मतलब इतनी चौड़ी स्पेसिंग है, इसके अंदर हमारे आराम से डब्बे शब्बे भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप पूछते हो 26 इंच कितना होगा, 26 इंच आपका इतना होगा, इसमें भी काफ़ी आपकी स्पेसिंग आ सकती है, सामने डब्बा देख रहे हैं, इससे भी ऊँचा हो सकता है हमारा, ये देखे ना, ये सारा कुछ है सीन। अब 19.5 मैंने इसलिए किया क्योंकि यार देखो मुझे मेरा तो बहुत सारा सामान है भाई, मेरे पास टूल्स भी हैं, मेरे पास आड़ी टेढ़ी चीज़ें भी हैं, तो मैंने 19.5 ही इसलिए सोचा कि स्पेसिफिक बिल्कुल ठीक है, इसमें हमारे छोटे डब्बे भी आ सकते हैं आराम से, उस तरह चीज़ें भी रख सकते हो, तो ईजी होते हैं। चलते हैं भाई कंस्ट्रक्शन की तरफ। अरे जल्दी जल्दी में 19.5 के हमने तीन हिस्से बना दिए, आप लोग देख सकते हैं।
अच्छा भाई, टाइम लैप्स के थ्रू आपने देख तो लिया होगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीशन बना ली है। आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया होगा बिल्कुल कैसे होता है, तेज हो रहे हो, तेज है। तो ये सीन है भाई, तो आपको दिखा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये मैं लेके आया था 90 डिग्री एंगल वाले एंगल्स होते हैं। अभी दीवार पे हम ठोकेंगे और फिर हम इसको अपने जो भी हमें फट्टे लगाने लगाए, तब तक आप ना मौसम इंजॉय करें। व्हाट अ व्यू। अच्छा भाई लोग, अब आपको जैसे पता लग गया होगा कि हमने लाइटिंग वाइटिंग सारी सेट कर दी है, और मैंने एक ये वाली मतलब वीडियो के एंड में मैंने ये काम किया था, वो काम ये किया था कि भाई मेरे जो रैक है ना, आप ये देख सकते हैं, एक ये टेबल है जो मतलब मैं सामने बैठ के काम करूंगा, और एक फिर ये छोटी वॉल बन जाएगी भाई। ये वॉल हमारी वो वॉल होगी जहाँ हम अपना सिल्वर गोल्डन प्लेट वो बटन लगाएंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पर भी सारे टूल्स ट्रॉफी जितनी भी अपनी अचीवमेंट है वो रखेंगे। तो इसलिए मैंने अपने रैक्स को ना यहाँ पे लाके खत्म करना है, बस यहाँ पे रोकना है, इसके आगे लेके नहीं जाना फर्दर। तो फिर मैंने अपनी यहाँ से लेके इस दीवार की पॉइंट से लेके वो कोने की दीवार पे मेजर किया, और फिर मैंने उसको डिवाइड बाय 4 किया ताकि मैं अपने 90 डिग्री एंगल लगा सकूं। तो मैंने एक यहाँ पे लगाना है, दूसरा मुझे यहाँ पे लगाना है, और तीसरा एट द एंड वो मुझे यहाँ लगाना है। तो वो आप 90 डिग्री एंगल लगाएंगे हम, और उसके बाद फिर हम अपने पट्टे रख के उसको इक्वली काट पीट के जो भी करना होगा वो करेंगे हम। ठीक है भाई। भाई जैसे कि आप लोग टाइमलेस में देख रहे होंगे, आपको सिंपल एंगल जो है ना उसके 3 होल्स के रख के फिर देन आपको ऐसे फिट करना है जैसे मैं दीवार के अंदर फिट कर रहा हूँ। बस इजी स्टेप है, और कोई इसके अंदर है नहीं कुछ इतना इशू, बस तो आपको सिंपल एंगल ऐसे फिट करना है अपने ड्रिल के हुए पॉइंट पे। अच्छा भाई, अच्छा खासा काम जा रहा था, वो काम ही गया जो हमारे काम में भंड नहीं है। आप लोग को पता होगा भाई, वो स्टैंडिंग मिरर में भी भंड आया था, उसमें भी भंड आ गया। हमारे एंगल जो है ना उसने हमें बड़े के रेट पे हमें छोटे चिपका दिए हैं, हमें स्कैम लग गया भाई। ये देखिए मैंने अभी चेक किया, मैंने मार्किंग जब करी थी ना दीवारों पे लगाने के लिए, तो मैंने एक तो लगा दी, दो लगा दिए एंगल बड़े वाले। अब ये देखें जब मैंने तीसरा लगाने के लिए रखा ना, तो ये छोटा एंगल निकल आया। देख रहे हैं आप लोग को फर्क समझ आ रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा एंगल आया। तो हम जरा जाते हैं उसके बाद, बोलते हैं भाई ये कब वापसी करो, कंप्लेन का क्या सीन है। अच्छा भाई लोग, जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे हमने ये सारे लगा दिए, अब आपको समझ आने लग गया होगा कि हमने 3 रैक्स बना लिए पूरे प्रॉपर। ये इसलिए लगा हुआ था कि आते आते हुए आँख ना फूट जाए आपकी। अभी आप ये देख सकते हैं सब कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हमारी लग चुकी हैं, आप ऊपर तक के देख सकते हैं। अच्छा भाई, अब हमने कहा था ना आपसे कि हम इसके अंदर उसके स्लेब लगा रहे हैं, मतलब जो हमारे फट्टे हैं ना वो लगेंगे। तो हमने फट्टों की मेजरमेंट करी है, तो यह हमारा फट्टा अब हम उसको काटेंगे अपने ग्राइंडर से। ये जो पट्टी की लेंथ है ना ये 83.5 है, तो हम इसके पट्टी की लेंथ के हिसाब से उसको काटेंगे और फिर अपने फट्टे को और से फिक्स कर लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, भाई लोग हमने फट्टा वट्टा काट लिए, और फिर उसके बाद हमारी जो वर्कशॉप है ना कुछ हाय क्या कह रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं 1, 2 और 3 इसके ऊपर बहुत आसानी से हमने ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने ये जो एंगल्स है ना, एंगल के अंदर हमने स्क्रूज मॉल के अंदर ड्रिल कर रहे हैं, फिर देन ये एंगल के ऊपर हमारा ये टिका हुआ है। आप चाहते हो ना तो क्या कर सकते हैं, इसकी ये जो बॉर्डर है ना आपका, यहाँ से एक स्क्रू करके उससे हम लोग इसको टाइटली होल्ड कर देगा, या फिर हम तीनों को ना एक एक वायर से मतलब ट्विस्ट करके उसके बाद हम टॉप रूफ पे इसको ड्रिल करके इसको टंगा देंगे, ताकि ये यू ना आ जाए हमारी तरफ ना, मतलब ये हमारी तरफ ना आ जाए उड़ के ना। और बाकी आप लेवल भी चेक कर सकते हैं, ये देखें लेवल भी हमारा ओके पोजिशन के अंदर, आप देख सकते हैं लेवल तो हमारा यहाँ पे ना बिल्कुल ओके पोजीशन के अंदर, ये देख सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। पीछे वो जो ना ये क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट नेट देख रहे, नेट लगी है, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग को चीज़ें समझ आएंगी, ख्याल रखें अपना बहुत सारा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।